कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये अंतरा क्लास 11th का ये दूसरा चैप्टर है, दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना पकाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया तो दोनों घुटनों के बीच सिर रख कर, शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और घाघरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हैराम कहकर वही ज़मीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसने जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों में मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में आध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंगा धड़ंगा पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। इसके साथ पैर वसी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हड्डियां की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाला दिया और एक आधे मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाजार दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहाने लगी। 12 बज चुके थे, धूप अत्यधिक तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छता ताने हुए फुर्ती के साथ लपटते हुए सामने से गुजर जाते। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर अग्रसा फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद जब उसने सर को पिकाड़ से काफ़ी आगे बढ़कर गली के छोर की तरफ निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहाँ पीड़ा रख कर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुसाया, वहीं था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गए और वहीं बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उनके फटे पुराने जूते पर गद जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहली हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वहाँ वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को अग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात जब रामचंद्र ने उठा तो वह घबरा गई, पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके पास उत्तर ना देने पर डर गई। उसके लड़के की नाक के पास हाथ रखा दिया, सांस ठीक से चल रही थी, फिर सिर पर हाथ रख कर देखा, बुखार तो नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुसत नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा, जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है? यही लाओ क्या? रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया। बाबूजी खा चुके। सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र के पीढ़े पर बैठ गया, उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी, लंबा दुबला पतला गोरा रंग, लंबी लंबी आँखें और बड़ी बड़ी आँखें तथा होठ पर
झुरिया। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी बेवियत की पुकर रीडी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दर्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां भर कटोरा पानियाई दाल और चने की तली तरखी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निहारते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला बेटा था। उसकी उम्र 18 वर्ष की थी और वह इस साल कई हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह ना मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी इबादत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी बत्तियज 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रख कर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एक टक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी बेहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए लड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस पर खरखर शब्द सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका, रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ी ही होशियार हो गया है। कहता है बड़का भैया के यहाँ जाऊँगा ऐसा लड़का, पर वहाँ आगे कुछ ना बोला सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रबड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5-2 घंटे तक रोने के बाद सो गया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सर नीचा करके कुछ तेज़ी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठाने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ? रामचंद्र हाथ से मना करते हुए गड़बड़ा कर बोला, पड़ा नहीं, नहीं जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद भूख रहती हो तो क्या ले नहीं सकती? सिद्धेश्वरी जहाँ की वहाँ बैठी ही रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख दिया। 1-2 क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे धीरे हाथ से उठा कर आँख से निहार और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े का मुँह में इस सरलता से रख दिया जैसे वह भोजन का ग्रस्त ना हो कर पान का बीड़ा हो। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर बड़े पर
पीड़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा ना था। वह उम्र की अपेक्षा कई अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रस्त को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वह बैठ कर पंखा डालती हुई इस तरह बोली, जैसे स्पन में बड़ा बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था कि मोहन दिमागी होगा। उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में लगी रहती है। ये कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन की माँ को और देखकर काफ़ी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह पड़ोसी गई रोटी, दो रोटियाँ में से एक रोटी, कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई, वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ? मोहन ने रसोई की ओर हैसे में नेत्रों से देखा, फिर सुसत स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिर पड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे बस, अब भूख नहीं, फिर रोटी तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती ना, मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी ने कुछ कहते ना बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुँह से लगाकर सुड़ पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस खिसकाते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसकाया लिया और मोहन दाल को एक सांस में पी कर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। दो रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की दली तरखी मुंशी चंद्रिका प्रसाद सीढ़ी पर पालथी मारकर बैठे। रोटी का एक एक खरस को इस तरह चुबला चम्बा रहे थे जैसे बुढ़िया गाय जुगाली करती है। उसकी उम्र 35 साल की है के लगभग थी, किंतु 50 बचपन के लगते हैं। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत साफ बलियान तर तर लटक रही थी। मुंशी जी ने टोकरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सूखते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हूँ, बोली, अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी की रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर चमक आई, शर्माते हुए पूछा, एक क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है, बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसा नशा चढ़ा था, उमाद की रोनी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है।
उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाई पर जान देता है। दुनिया में सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं सह सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की नाक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है। वैसा लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक में उसके याद रखने को देता था उसके बरख रखता था। असल तो ये है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार है, प्रमोद को कम समझता हो। यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी ने ढेर रोटी खा चुकने के बाद एक गरज से युद्ध कर रहे थे, कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खरखर खांस कर खाने लगे, फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की फुक फुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह गले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में ना जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले दो दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर शाम को तोड़ने वाले हो। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर से राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी ने चने के दाल दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उसने बातचीत करने वाले को फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। सिद्धेश्वरी हट चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वह थाली में बचे कुचे दोनों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान रसोई की ओर नखनी से देखा, तत्पश्चात किसी घुटे स्वादत की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत उब भी हो गई है। तुम्हारे व्यर्थ की मैं कसम धारा दी, खैर कसम करने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हड्डिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। हाँ, रोटी खाते खाते नमक में दम आ गया है, वह कहकर वह ठहराका मार के हंस पड़े। मुंशी जी ने इन बटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूती थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई, लठलोई की दाल को टटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं।
छिपुली में थोड़ी सी चने की तरखी बची थी, उसके पास खींच लिया। रोटी की थाली में भी उसने पास खींच लिया, उसने केवल एक रोटी बची थी। मोटी रद्दी और जली उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसरे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एक टक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रस्त मुंह में रखा और तब ना मालूम कहां से उसकी आँख में टप टप आंसू चने चलने लगे। सारा घर मक्खियों से भिनभिना कर रहा था। आंगन में अंगली पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे ढेर महीने पूर्ण मकान किराए नियंत्रण विभाग की कलिंगी से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। ये चैप्टर समाप्त हुआ। हम आपको मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।